दोस्तों आज हम बात करेंगे रोटेटर कफ टियर की। रोटेटर कफ एक हमारे शोल्डर में मांसपेशी रहती है जिसका टियर बहुत ही कॉमन है। यंग एथलीट्स के अंदर भी इसका टियर पाया जाता है और जो ओल्डर एज है उसके अंदर भी इसका टियर हो जाता है। जब आपकी एक कंधे की मांसपेशी टूट जाती है तब पेशेंट का हाथ उठना बंद हो जाता है। ये किसी चोट की वजह से भी टूट सकती है अगर आप यंग हैं, या फिर अगर आप कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे शोल्डर के इम्बेलेंसेस बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, बॉडी बिल्डिंग, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं और सिर्फ आप अपने डेल्टोइड मसल्स को स्ट्रांग कर रहे हैं और जो अंदर वाली मसल है रोटेटर कफ आप उसको स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं, उसकी कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे इवेंचुअली आफ्टर 5 years, 6 years, 7 years, 10 years वो रोटेटर कफ मांसपेशी आपकी वीक हो जाती है और डेल्टोइड बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इस इम्बैलेंस के कारण कई बार हमारी रोटेटर कफ मांसपेशी अपना आप भी टूट जाती है जब हम हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं या हो सकता है हम बिल्कुल लाइट वेट उठा रहे हैं। ओल्डर एज के अंदर अगर हम रोटेटर कफ एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं तो ये कई बार स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप भी टूट जाती है। छोटी छोटी वस्तुएं उठाने पे भी लोग हमारे पास आते हैं जिनकी मांसपेशी बच्चे को उठाते समय टूट गई या छोटा सा बैग उठाते हुए टूट गई। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आखिर हमारे जो रोटेटर कफ है जिसमें खास तौर से मांसपेशी सुप्रा स्पाइनेट है उसकी टेंडिनाइटिस या पार्शियल टियर या कंप्लीट टियर क्यों डेवलप हो जाता है अपने आप, या अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके बाद भी क्यों डेवलप होता है। तो अगर मैं शोल्डर का एनाटॉमी बनाऊं तो ये अंदर की हड्डी रहती है शोल्डर में, इसे बोलते हैं ग्लेनॉइड। उसके बाद ये मेरे हाथ की हड्डी है जिसको मैं बोलता हूँ ह्यूमरस, और ऊपर हमारे एक और हड्डी का टुकड़ा रहता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोमियम, और ये क्लेविकल में कंटिन्यू करता है। अब जो हमारी जो मांसपेशी है सुप्रा स्पाइनेट वो ऐसे आके यहाँ पर हमारे जो ह्यूमरस है उस पर जुड़ती है। ये मांसपेशी है सुप्रा स्पाइनेटस। जो मेरी डेल्टोइड मसल है जो कि सबको बल्क के रूप में दिखती है शोल्डर के ऊपर, वो यहाँ से आती है इस तरह से। तो ये चीज़ मेरी है डेल्टोइड। तो जिस तरह से अगर आप एनाटॉमी देख रहे हैं, जब मेरी डेल्टोइड काम करेगी, मेरी डेल्टोइड और सुप्रा स्पाइनेटस दोनों मेरे कंधे को ऊपर उठाने के काम में आती है। पर जब डेल्टोइड काम करती है, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जुड़ी हुई है, तो ये मेरे ह्यूमरस को ऊपर की तरफ धकेलती है। सुप्रा स्पाइनेटस इस ह्यूमरस के छत की तरह है, तो अगर ये भी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी मेरी डेल्टोइड है तो ये ह्यूमरस को नीचे धकेलती है और मेरा ह्यूमरस और शोल्डर जॉइंट बिल्कुल सेंटर में रहता है। अगर मैं एक हाई एंड एथलीट हूँ जो रोज़ एक्सरसाइज कर रहा है, मेनली हम लोग डेल्टोइड की एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि वो दिखती है हमें शोल्डर में, तो मैंने डेल्टोइड बहुत स्ट्रांग बना ली पर मैं सुप्रा स्पाइनेटस या रोटेटर कफ की कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो धीरे धीरे मेरा शोल्डर का जो ह्यूमरस है जो हाथ की हड्डी है वो धीरे धीरे ऊपर ओवरराइड करेगी क्योंकि डेल्टोइड बहुत स्ट्रांग है, और सुप्रा स्पाइनेटस हमारी एक्रोमियम और ह्यूमरस के बीच में दबके यहाँ से कट जाती है। मेन रीज़न होता है ये कि हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो हमारा गेम हो या एक्सरसाइज हो या फिर नॉर्मल एक्टिविटी है, हमेशा हम डेल्टोइड को वर्क कर रहे हैं, इसी को स्ट्रांग बना रहे हैं। हम कभी भी सुप्रा स्पाइनेटस के लिए या रोटेटर कफ के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इम्बेलेंस पैदा होता है और इसके अंदर टेंडिनाइटिस हो सकती है, पार्शियल टियर हो सकता है, या ये कम्प्लीटली भी टूट सकती है। जब ये पूरी तरह से टूट जाती है तब आपका हाथ उठना बंद हो जाता है। अगर इसमें पार्शियल टियर या टेंडिनाइटिस है तो आपको हाथ उठाने पे 90 डिग्री के बाद पेन चालू होगा, जिसको हम बोलते हैं इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। तो इस चीज़ से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग ज़रूर करें। रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग हम थेराबैंड की मदद से कर सकते हैं और हम वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे हम इसकी स्ट्रेंथनिंग करें ताकि हमें इसकी प्रॉब्लम आगे फ्यूचर में कभी भी नहीं हो। तो दोस्तों जब ये टूट जाती है तब हाथ उठना बंद हो जाता है और एकदम से काफ़ी शूटिंग पेन होता है पेशेंट को। अगर आपको इस कंडीशन से बचना है, अगर आप एक एलिट स्पोर्ट्स पर्सन हैं या फिर आपकी एज 40-50 के आसपास है या आप रेगुलरली जिम जा रहे हैं, कोई भी वर्क के आप हों, अगर आपको इस कंडीशन से बचना है तो आपको रेगुलर रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप सिंपल एक थेराबैंड की मदद से कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर हमारी रोटेटर कफ मांसपेशी टूट जाती है तो उसका क्या इलाज संभव है। तो आज हम आर्थरोस्कोपिक रोटेटर कफ रिपेयर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये दूरबीन की सर्जरी है, बहुत ही छोटे छोटे 3 छेद से हम इस सर्जरी को करते हैं। इस सर्जरी में न तो ब्लड लॉस होता है, न ही सर्जरी के बाद पेन होता है।
दूरबीन से की जाने वाली सर्जरी और आपको रोटेटर कफ इसमें बिल्कुल रिपेयर कर दिया जाता है। जो सबसे लेटेस्ट टेक्निक है इसके अंदर, उसको बोलते हैं स्पीड ब्रिज नॉटलेस डबल रो रिपेयर। इसके अंदर बायो कंपोजिट एंकर यूज किए जाते हैं जो कि बाद में बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और रोटेटर कफ मांसपेशी को पकड़ने के लिए इसमें सूचर टेप या फाइबर टेप का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक वायर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसके अंदर हम गांठ भी नहीं लगाते क्योंकि ऑटोमेटिक लॉकिंग होती है। इसके अंदर नॉटलेस रिपेयर है, ये रिपेयर बहुत स्ट्रांग होता है। इस रिपेयर के अगले दिन के बाद से ही आपका हाथ को हम थोड़ा थोड़ा मोबिलिटी कर सकते हैं। साथ में ही 1.5 महीने लगता है इसको मांसपेशी को हड्डी से चिपकने में, तो 1.5 से 2 महीने में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं जैसे कि आप पहले थे। तो देखा दोस्तों कैसे हमारी जैसे जैसे हमारी साइंस में एडवांसमेंट बढ़ते जा रहे हैं, हम इतनी सीरियस चीज़ जिसके लिए पहले बड़ा ऑपरेशन होता था, चीरा लगता था, आजकल हम उसको दूरबीन से कर लेते हैं और उसमें गांठ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है रोटेटर कफ में, जिसके कारण रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं।